हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और अभी आपके स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस टाइप के टेक्स्ट आपने कई बार ही देखा होगा कई सारे थंबनेल्स के अंदर। तो आज हम इसी टेक्स्ट को एडिट करेंगे विथ पिक्सेल लैब एप्लीकेशन। तो हम आ चुके हैं पिक्सेल लैब के अंदर और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और सबसे पहले जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है हम उस टेक्स्ट को लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेजेंड इज बैक लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले दो अलग अलग इसको पार्ट्स में लिखना है। तो सबसे पहले लेजेंड इज लिख लेते हैं और इसको एडिट करते हैं, फिर इसको सेम टू सेम कॉपी करके और फिर वर्ड जो है वो बदल देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिसॉन बोल्ड। आप इजीली जो है डीए फॉन्ट पे जाके इसको सर्च कर सकते हो और उसको फिर ऐड कर सकते हो अपने पिक्सेल लैब के अंदर। और नहीं तो मैं लिंक भी डायरेक्ट दे दूँगा जिससे आप इसको ईजिली डाउनलोड करके ऐड कर लेना पिक्सेल लैब के अंदर। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो लेजेंड इज है पहले हम इसको एडिट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम दूसरे जो जितने भी वर्ड्स हम लिखेंगे उसको सेम टू सेम कॉपी कर देंगे तो सारे इफेक्ट जो है वो सेम रह जाएंगे और उसके बाद वर्ड हम चेंज कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले इसको हम एडिट करते हैं, हमें जाना है यहाँ पे में और ग्रेडियंट जो है वो दो कलर्स में होगा, हम इसको एक और ऐड कर लेंगे। राइट साइड में ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, तीन कलर में हो जाएगा। सबसे लेफ्ट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पूरा वाइट कर देंगे। ठीक है, और फिर जो मिडिल वाला है उसको सेम टू सेम वैसा ही छोड़ देंगे और राइट वाला जो है उसको एकदम जो ग्रे कलर जो है उसको एकदम लाइट ग्रे कर लेंगे। अब देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा इस तरह से। और जो लेफ्ट वाला जो एरो है इसको थोड़ा सा राइट की तरफ और जो है वो स्क्रॉल कर देंगे और जो मिडिल वाला है और लेफ्ट वाला है उन दोनों को एकदम मिडिल में ला देंगे और उसके बाद हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी हमने ग्रेडियंट जो है वो टेक्स्ट पे दे दिया, अभी काम है हमको शैडो देना है। तो फिर हम चले जाएंगे नीचे और यहाँ पे जो है वो इनर शैडो है और थोड़ा नीचे होगा, ये रहा इनर शैडो। इनर शैडो को हमको इनेबल कर लेना है और कलर जो है वो हमको सेलेक्ट करना है वाइट, क्योंकि जो है हमारा अपर साइड में वाइट है तो वाइट जो है इनर शैडो हमको देना है जिससे हमारा टेक्स्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें ऑफसेट एक्स की तो हम इसको +5 रखेंगे और ऑफसेट वाई जो है इसको -5 पे हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें जो है वो करेक्ट वाला साइन पे टिक कर देना है। उसके बाद हमको जाना है फिर से आउटर शैडो, अब हमको देना है इसको इनेबल कर लेना है। ओपेसिटी 100% रखनी है, ब्लर रेडियस 20 पे और आउटर ग्लो जो है उसको हमको इनेबल कर लेना है। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रोक भी इनेबल कर देंगे। विड्थ इसका हम 4-5 रख सकते हैं, यहाँ पे मैं 4 रख रहा हूँ और उसके बाद हो गया हमारा काम। अभी कुछ नहीं करना, अब हमको जाना है एडिट में और उसके बाद कॉपी कर लेना है सेम टेक्स्ट को। अभी जो है हमको वर्ड जो है वो चेंज कर देना है, वर्ड हमें जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैक लिख रहा हूँ तो इसका जो है फॉन्ट है, हम फॉन्ट चाहें तो सेम रख सकते हैं या चाहें तो हम इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के साथ जो हम बैक का कलर भी चेंज कर सकते हैं जिससे ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं जो है वो सेम कलर के साथ बनाने वाला हूँ जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा या शुरुआत में भी मैंने दिखाया था। तो मैं अभी सेम जो है वो ग्रेडियंट के साथ बनाऊंगा लेकिन फॉन्ट जो है मैं इसका चेंज करने वाला हूँ। फॉन्ट अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ आ गया फॉन्ट में, माई फॉन्ट में आया और यहाँ पे जो है वो लेमन मिल्क मीडियम जो दिख रहा है मैं इस फॉन्ट को यूज़ करने वाला हूँ। इस फॉन्ट का लिंक जो है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ में आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं डीए फॉन्ट जो वेबसाइट होती है उस पर ईजिली मिल जाएगा लेमन मिल्क और उसको आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो पिक्सेल ऐप के अंदर। अभी हमारा टेक्स्ट जो है वो 90% जो है वो रेडी हो चुका है, फिर भी अभी जो है वो कुछ फीका फीका सा लग रहा है। अभी हमें करना क्या है कि हम इसको बैकग्राउंड में एक कलर देंगे। यहाँ पे हम प्लस आइकन पे जाएंगे और नीचे सेप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेप्स पे जाएंगे और सेप का जो कलर है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। तो ब्लैक हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब इस सेप को जो है एडजस्ट करके इस टेक्स्ट के साइज में हमें एडजस्ट कर देना है। राइट और लेफ्ट से जो है वो पूरा बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपर और नीचे से जो है वो सेम बराबर साइज़ में होना चाहिए और राइट और लेफ्ट से जो है वो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होना चाहिए, तब लगेगा कि बैकग्राउंड में जो है वो कुछ ब्लैक दिख रहा है। तो अभी जो है हमने जो है सेप
ब्लैक कलर का जो हमने लिया था इसको हमने पूरा एडजस्ट कर दिया है। अभी जो है हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है लेयर्स पर, और जो है लेयर्स पे हम आ गए हैं। और ये जो ब्लैक वाला है वो इन दोनों के नीचे, सबसे नीचे लाकर इसको एडजस्ट कर देना है। और अब देख सकते हो एक लग रहा है ब्लैक बैकग्राउंड है, और उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा है। और हमारा टेक्स्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमें जाना है ट्रांसपेरेंट वाले में और इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है, और इसको फिर एक्सपोर्ट कर लेना है अल्ट्रा क्वालिटी में, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल में, जो काफ़ी बढ़िया और प्रोफेशनल दिखाई देगा। तो अगर आपने टेक्स्ट को एडिट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ।